छतरपुर में 6 सितंबर को होने वाले भारत बंद को लेकर प्रशासन द्वारा कमर कसते हुए जिले में धारा 144 लगा दी गई है, जिसमें बगैर परमिशन के किसी भी प्रकार का धरना, विरोध प्रदर्शन या आंदोलन नहीं किया जा सकता है। उधर धारा 144 लगे होने की जानकारी लगते ही SC ST का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों द्वारा आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि प्रशासन अपना इंतजाम करे और प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक शहर बंद कराएंगे, जिसमें न प्रशासन को आपत्ति होनी चाहिए और न ही किसी प्रकार का उपद्रव होगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वह शांतिपूर्वक शहर बंद कराएंगे और यहाँ के व्यापारी खुद इसका समर्थन करते हुए अपनी दुकानें बंद रखेंगे। प्रशासन को जैसे कड़े एक्शन लेना है वैसे कड़े एक्शन ले। हम लोगों को लोकतंत्र में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की कहीं मनाही नहीं है, एवं इसमें तो जो है हमारा देश ही स्वतंत्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन के कारण हुआ है, और अगर उसको दबाया जाता है तो ये तानाशाही कहलाती है, ये शासन नहीं कहलाता है, ये तानाशाही कहलाती है, लोकतंत्र नहीं है। और अगर ये तानाशाही करना है तो करे प्रशासन, उसका खामियाजा भुगतेंगे वो लोग। ये हमारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, काफी समय से हम लोग इसके प्रयास में लगे हुए हैं। हम लोगों ने ये सरकार ने 144 लगाई, मैं मानता हूँ, लेकिन ये लड़ाई सामान्य की है, पिछड़ा वर्ग की है, अल्पसंख्यकों की है, जो कि इस बिल के द्वारा 1989 से दबाए जा रहे हैं। सारे शांत रहे, लगभग 28-29 साल हो गए इस बिल को पास हुए, लेकिन ये सामान्य वर्ग, OBC, अल्पसंख्यक शांत बने रहे, कुछ नहीं हुआ। इन 29 सालों में आते 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 इतना ज्यादा दुरुपयोग इसका बढ़ा कि हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल में सुधार किया, क्योंकि जो आंकड़े उनके बताए गए हैं वो 96-98% शायद जो होते हैं वो झूठे मामले होते हैं। इन झूठे मामलों में इनको केस करने का भी पैसा मिलता है अदालत। हम लोग नहीं रुकने वाले, आंदोलन होगा और होकर के रहेगा। सरकार अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेगा और भारत की जनता अपना काम करेगी। नहीं मानेगी। छतरपुर में शांतिपूर्ण आंदोलन है, विरोध है, लेकिन अगर सरकार नहीं चेती, जो भी सरकार आने वाली हो, कांग्रेस के समय में बिल पास हुआ, भाजपा ने उसको भी पास किया, इसमें किसी सरकार की कोई गलती नहीं है। हम लोग भी नहीं मानेंगे, हम लोग इस बिल में सुधार करवा के मानेंगे। अकेले 6 सितंबर का कार्यक्रम नहीं है, ये आगे चलेगा और जब तक चलेगा जब तक हम लोगों की सांस है, उसके बाद कभी नहीं रुकेगा आंदोलन। वास्तव रूप में धारा 144 जो होती है वो लॉर्डर को मेंटेन करने के लिए हम उसको उपयोग करते हैं, विभिन्न माध्यमों से, SP के माध्यम से, ग्रुप्स में, पेपर्स में ये विज्ञप्तियाँ आ रही है कि 6 तारीख को बंद रखा जाएगा और 6 तारीख को रैली निकाली जाएगी। तो हमारा ये सोच है कि इन सब चीज़ों को रेगुलेट किया जाए, जो भी प्रदर्शन आंदोलन कुछ भी किया जाए वो शांतिपूर्वक नियमानुसार हो। तो इसलिए धारा 144 के तहत हमने कुछ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें शस्त्र लेके चलना प्रतिबंधित है, यदि कोई जुलूस या कोई अन्य चीज़ निकालते हैं तो बिना अनुमति के नहीं निकालेंगे, हमारी जो शर्तें होगी उनका पालन नहीं करेंगे तो अनुमति निरस्त कर देंगे। साथ में विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में विभिन्न प्रकार की चीज़ें प्रसारित होती रहती है, तो उसमें खास करके हमने सोशल मीडिया को भी रखा है, वो लोग भी खासकर एडमिन और अन्य लोग ध्यान रखे कोई ऐसी चीज जो तथ्यों से परे हो उसमें ना डाली जाए, और इससे हम लोग अपनी कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे और व्यवस्था को रेगुलेट कर देंगे। जी हाँ, शस्त्र लाइसेंस, इसलिए आप जानते हैं हमारे जिले में शस्त्र लाइसेंस की संख्या बहुत सर्वाधिक है, और कोई शस्त्र का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से करना वैसे ही प्रतिबंधित है, लेकिन इससे फायदा ये, इससे ये इसको ये संदेश रहता है कि कोई आदमी लेके निकला और जबरन कोई कहे साहब वो तो बंदूक लेके गया, फलाना गया, तो उन चीज़ों पर रोक लगे। इसलिए हमने कहा कि शस्त्र लाइसेंस निलंबित रहेंगे इन दिनों में बाहर शस्त्र अपना लेके प्रदर्शित नहीं करेगा। छतरपुर से हिमांशु अग्रवाल, सागर TV न्यूज़।